अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी के बारे में जो कि स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस की गई है एसटीएस की तरफ से। जी हाँ, एसटीएस लैपटॉप स्कॉलरशिप स्कीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें आप लोग मेज़ो फी में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को गौर से देखना है और इसको एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेस पर जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब बाजार। ऐसे आपने सर्च करना है गूगल पे और इस पहले लिंक पे जहाँ पे जॉब बाजार डॉट इन्फो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने थोड़े से नीचे आना है और यहाँ पे थोड़े से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा लैपटॉप स्कॉलरशिप स्कीम फेज टू। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पोस्ट ओपन हो जाएगी, आप यहाँ से इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़े से नीचे आकर रीड कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और इसके जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं एसटीएस स्टैंडर्ड टेस्टिंग सर्विस की तरफ से लैपटॉप स्कॉलरशिप स्कीम का जो फेज़ टू है वो ऐलान कर दिया गया है। और टाइम टू टाइम, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे इसकी तरफ से इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं वो अनाउंस होती रहती हैं, हम आपको अपने चैनल पे भी अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये फेज़ टू है और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले इसमें जो स्टूडेंट्स हैं मिडिल क्लास के, ठीक है, क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों, वो कर सकते हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, क्लास 10th के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो अभी इनरोल्ड हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपकी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गई है तो आप यहाँ पे अप्लाई करें या फिर आपकी टेंथ कंप्लीट हो गई है तो आप यहाँ पे अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। आप अभी इनरोल्ड होने चाहिए, आप अभी स्टडी जो है आप कर रहे हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। सिर्फ जो पंजाब के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अपना डोमिसाइल या फिर आईडी कार्ड या फिर बे फॉर्म, इन तीनों में से एक चीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 50 लैपटॉप होंगे और 50 स्कॉलरशिप्स होंगे। ठीक है, आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जो स्कॉलरशिप की अमाउंट होगी वो 20,000 रुपये होगी जो आपको दी जाएगी और 50 यहाँ पे लैपटॉप्स होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 9 जुलाई है। ठीक है, अप्लाई करने की इसकी जो टेस्ट है वो मैनुअल या ऑनलाइन होंगे 8 अगस्त को। मैनुअल तब होंगे अगर कोविड की पोजीशन जो है वो नॉर्मल होगी, अगर उस वक्त लॉकडाउन हुआ या कुछ इस किस्म किसे जो इनस्टेबल कंडीशन हुई तो फिर आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद 8 अगस्त को आपके टेस्ट होंगे और इसका जो सिलेबस है टेस्ट का वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंग्लिश में से 45%, बेसिक मैथ 10%, जनरल साइंस 10%, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज 25%, उर्दू और इस्लामिक स्टडी 10% के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा और 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और पासिंग मार्क्स 50 होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपने ऐसे करना है कि आपने यहाँ पे गूगल पे यहाँ पे वेबसाइट का आपको लिंक नज़र आएगा फॉर अप्लाई क्लिक करें। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एसटीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप आ जाएंगे। एक और चीज़ आप नोट कर लें, अगर आपने फेज़ 1 में अप्लाई किया है तो हमने भी इस पर वीडियो बनाई थी सिंध के लिए, पंजाब और KPK जो फेज़ 1 थी। ठीक है, अगर आपने उस पर अप्लाई किया था तो आप अपनी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डेट अनाउंस हो चुकी है, टेस्ट डेट, आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो रोल नंबर स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेज़ 2 की। आपने यहाँ पर थोड़े से नीचे आना है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्लिक है टू अप्लाई फॉर लैपटॉप स्कॉलरशिप फेज़ 2। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस किस्म से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे टाइमर चल रहा है कि किस डेट को यहाँ पे कितने दिन रहते हैं ये जो है अनाउंसमेंट ख़त्म होने में। ठीक है, आपने यहाँ पे थोड़े से नीचे आना है, यहाँ पे इसकी लास्ट डेट 9 जुलाई है, 8 अगस्त को इसके टेस्ट होंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने फीस जमा करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बैंक्स हैं, MCB और HBL। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक बैंक में जो आपके नज़दीक हो, जहाँ पे आप मर्जी जाएं, आपने फ़ीस जमा करवानी है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं MCB और या फिर HBL में, दोनों का सेम प्रोसेस है। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले भी आपने फ़ीस जमा करवानी है। आपके सामने चलान फॉर्म जो है ये ओपन हो जाते हैं दोनों के, ये है MCB के चलान फॉर्म। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, यहाँ पर जिस चीज़ के लिए आपने अप्लाई करना है, लैपटॉप के लिए करना है तो यहाँ पे टिक करें, स्कॉलरशिप करने के लिए करना है तो यहाँ पे टिक करें। अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई करना है तो दोनों की अलग से फ़ीस देना होगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डेट लिखें, ब्रांच नेम, जो ब्रांच नेम होगा MCB बैंक का, ब्रांच कोड, यहाँ पे सारे लिखें, एप्लीकेट नेम, फादर नेम, आईडी कार्ड, बे फॉर्म नंबर
और यहाँ पे अपने सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह इन तीनों कॉपीज को फिल करना है सेम। फिल करने के बाद आपने एमसीबी बैंक में चले जाना है, 395 रुपये इसकी फीस है, आपने उसको दे देना है। वो यहाँ पे बैंक कॉपी, ठीक है, ये काट कर, और ये एसटीएस कॉपी और कैंडिडेट कॉपी, ये दो कॉपीज आपको वापस दे देंगे, और ये बैंक कॉपी जो है ये अपने पास रख देंगे बैंक वाले। इसी तरह ये एचपीएल का है, वो भी सेम प्रोसेस है। आप दोनों में से किसी भी एक बैंक में चले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि ये जो एसटीएस कॉपी होगी, ठीक है, ये वाली, आप इसकी फ़ोटो खींच देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने वापस इनकी वेबसाइट पे आना है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक है फॉर अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है, पासपोर्ट साइज़। उसके लिए यहाँ पे जो है वेब फॉर्म या आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट होगा, आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी, लैपटॉप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ पे उसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे सेलेक्ट क्लास, ठीक है, आप किस क्लास में अभी इनरोल्ड हैं, अभी पढ़ रहे हैं, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करें। कहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करें। फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, प्रोविंस अपना पंजाब यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे तहसील, सिटी जो भी होगा, यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे तहसीलें ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे तहसील ओपन होगी, ठीक है। एड्रेस लिखें, जेंडर लिखें, लास्ट क्लास, आपकी जो लास्ट क्लास थी वो कौन सी थी, ठीक है, वो यहाँ पे लिखें, और लास्ट क्लास में मार्क्स कितने थे और टोटल मार्क्स कितने थे। बैंक, कौन से बैंक में फीस जमा करवाई है, ब्रांच नेम, ब्रांच कोड, और किस डेट को आपने फीस जमा करवाई है वो सेलेक्ट करें। और बैंक चलान जो मैंने अभी आपको कहा है कि आपने फ़ोटो खींच देना है, वो यहाँ पे अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। आपका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो इस तरह से हो जाएगा, और फिर आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी और आपने 8 अगस्त को टेस्ट देने चले जाना है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।